गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ सेंट थॉमस ग्रुप टंडवा, सेंट थॉमस ग्रुप टंडवा चतरा। नाउ अब हम लोग का चैप्टर क्लास 10, ये क्लास 10 का पार्ट 2 वीडियो है। क्लास 10 का ये पार्ट 2 वीडियो है, जो इकोनॉमिक्स चैप्टर से हम पढ़ा रहे हैं वो भी चैप्टर 2। तो पार्ट 1 में आप लोग को बता चुके थे सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में, डिस्कशन भी कर चुके थे इकोनॉमिक क्या होता है, कितने सेक्टर के होते हैं वो। आज हम लोग हर एक पार्ट का, हर एक सेक्टर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, हर एक सेक्टर को डिटेल से जानेंगे। तो हम लोग इस पार्ट में हम लोग बस यहां पर जो फर्स्ट जो हम लोग का सेक्टर था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, इसी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, और इसके अलावा किसी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बस। नाउ इस पार्ट में देखिएगा, फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर। आप लोगों को तो पता है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है जिसको कोई नहीं, वो एक नेचर के थ्रू बनता है। किसके थ्रू, एक नेचर के थ्रू बनता है। जैसे हम लोग अगर माइनिंग देखते हैं या कोयला निकालना देखते हैं या किसी कुछ भी चीज देखते हैं, तो वो क्या होता है, एक हम लोग का नेचर के थ्रू बना हुआ रहता है। मतलब कि गॉड गिफ्टेड या नेचर गिफ्टेड हम लोग उसको बोल सकते हैं। जो हम लोग का नेचर के थ्रू बना हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। जो हम लोग का नेचर के थ्रू बना हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। अगर आप लोग को यहाँ पर बोर्ड पर अगर क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, चलिए ठीक है थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है लेकिन बोर्ड पर क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो मेरा वर्ड्स को सुन सुन करके आप लोग उस पर राइट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में, नोट्स कॉपी में। नाउ अब देखिए प्राइमरी मतलब, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यहां पर दिख रहा है ना इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब कि इसका जो प्राइमरी सेक्टर का जो इकोनॉमी है, यहां पर डिटेल्स, प्राइमरी सेक्टर का जो इकोनॉमी है वो किस पर का इन्वॉल्व रहता है, हमेशा नेचुरल रिसोर्स पर इन्वॉल्व रहता है। किस पर इन्वॉल्व रहेगा, हमेशा नेचुरल रिसोर्स पर इन्वॉल्व रहेगा। अगर हम लोग देखा जाए प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी में, अगर प्राइमरी सेक्टर को ही हम गायब कर दे, अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर को ही गायब कर दे, तो ये जो सेकेंडरी मैन्युफैक्चर और सर्विस जो सेक्टर है ना, वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, उस पर हम लोग यूज ही नहीं, बात ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राइमरी सेक्टर होना इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर बालू अगर सैंड का एग्जांपल लेते हैं, वो क्या है, क्या फर्टाइल लैंड है, क्या उपजाऊ जमीन है, नई जमीन है, क्या वहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम लोग को पता है कहाँ खेती कर सकते हैं, जहां पर फर्टाइल लैंड है वहीं पर हम लोग खेती कर सकते हैं, और हम लोग वेजिटेबल्स, राइस, क्रॉप्स, ये सब हम लोग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग प्राइमरी को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और जहां पर हम लोग का नेचुरल रिसोर्स, अब यही बताइए नेचुरल रिसोर्स क्या है, क्या हम लोग बना है, क्या हम बना है, क्या गवर्नमेंट बना है, कोई बना है, नहीं, ये कहां से बना है, एक नेचर से बना है। आप लोग को पता है ह्यूमस, फॉसिल फ्यूल्स, तो पता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो अगर हम लोग जाएंगे पीछे, तो वहां पर पहले क्या होता, एक बहुत पहले हम लोग का वॉल्केनिक एक्टिविटी या अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण क्या हुआ था, जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे या फिर जंगली जानवर या फिर डायनासोर्स जिसको नाम बोला जाए, वो क्या हुए, वो नीचे दब गए। क्या हुए, वो नीचे दब गए। उसी के कारण अर्थ के अंदर का हीट के कारण वो किस पर कन्वर्ट हो गया, फॉसिल फ्यूल्स पर। जो फॉसिल फ्यूल्स और ह्यूमस जिसको बोलते हैं, आज हम लोग इकोनॉमिक रिसोर्स में, इकोनॉमिक में हम लोग क्या जानते हैं, इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, जो हम लोग को नेचर के थ्रू हम लोग को गिफ्ट दिया गया है यूज करने के लिए। अब यहां देखिए इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स, और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, जो हम लोग को प्राइमरी थ्रू दिया गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में हम लोग का क्या क्या आता है, कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। फर्स्ट ये क्या है, एग्रीकल्चर। फर्स्ट ये क्या है आपका, एग्रीकल्चर। यहां ध्यान दीजिएगा, क्या एग्रीकल्चर को हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोल सकते हैं, ऑफकोर्स बोल सकते हैं। अगर हम लोग का एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर क्यों है, क्योंकि ये हम लोग का प्रोड्यूसर है। अगर ये प्रोड्यूस करेगा, अब इसमें बोलिए कि सर हम लोग का किसान प्रोड्यूस करेगा, हाँ किसान प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हम लोग का उसमें तो कुछ सोर्स चाहिए ना, तभी ना हम लोग का प्रोड्यूस होगा। अगर कुछ सोर्स नहीं रहेगा तो हम लोग का प्रोड्यूस हो पाएगा नहीं। मतलब कि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग का फॉरेस्ट्री, अब यहाँ फॉरेस्ट्री क्या,
अब आप जो बुक्स लेते हैं या पेंसिल्स लेते हैं, कॉपी लेते हैं, या फिर टेबल चेयर या कुछ भी देख रहे हैं, या ये जो बोर्ड का बीट भी देख रहे हैं, ये कहां से आपको मिला है? जो मेडिसिन लेते हैं वो कहां से मिला? फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है। जो हम लोग का ये सब दिया हुआ है, जो हम लोग का ये सब लकड़ी से काट के ये सब बनाया गया, ये क्या हो गया हम लोग का? फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट से हम लोग का मिला हुआ है। अब उसके बाद क्या है? फिशिंग। फिशिंग इज ऑल्सो कम इन अ प्राइमरी सेक्टर। मछली पालन या मछली पकड़ना भी हम लोग किस पर आता है? प्राइमरी सेक्टर पर आता है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मछली का तो हम लोग प्रोड्यूशन, लेकिन मछली का भी तो एक बिजनेस होता है ना, जिसको हम लोग समुद्र से या नदी से इसको पकड़ करके, क्या इसको पकड़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्केट में बेचते हैं। किस लिए? टू अर्न मनी। जो हम लोग पार्ट वन में, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल करके आप देख सकते हैं कि पार्ट वन का वीडियो में हम क्या बताए थे इकोनॉमिक के बारे में। टू अर्न मनी, ये हो गया फिशिंग। क्या हो गया? ये फिशिंग हो गया। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है माइनिंग। क्या आता है? माइनिंग आता है ना। यहां पर देखिए माइनिंग, माइनिंग क्या है? जो हम लोग का, जैसे हम लोग का पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, या जो हम लोग का गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, जो हम लोग जमीन के अंदर से माइनिंग करके निकालते हैं, हम लोग का जमीन के ऊपर नहीं, लैंड सरफेस के ऊपर नहीं, लैंड सरफेस के कहां? नीचे, जहां पर से हम लोग जमीन को नीचे से खोद करके कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, हम लोग जिसमें से क्या चाहिए? ऑयल, मतलब कि ऑयल इसमें कौन सा बोला गया? खाने वाला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बोला गया? नहीं, जिसमें से हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हम लोग जो निकालते हैं उसके बारे में बोला गया है, जिसमें हम लोग का कर्ड, पहला जो सर जब हम लोग निकालते हैं उसको, तो हम लोग का लिक्विड फॉर्म में निकलता है, वो हम लोग का सॉलिड लिक्विड फॉर्म में निकलता है, मतलब कि सॉलिड भी रहता है और उसमें लिक्विड का भी मटेरियल कुछ मिक्स। सॉलिड लिक्विड मटेरियल जान रहे हैं आप लोग? जेम्स देखे, जेम्स जो हम लोग का स्पंजी टाइप का रहता है, वो स्पंजी, हल्का हल्का स्पंजी रहेगा, उसी को हम लोग सॉलिड और सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों हम लोग का रखता है। अब उसके बाद हो गया गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या नेचुरल गैस, ये सब हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग यहां से क्या करते हैं? जमीन के अंदर से माइनिंग करके प्रोसेस से क्या करते हैं? उसको निकालते हैं। अब इसके आगे देखिएगा, अब इसके आगे देखिएगा कि अब प्राइवेट सेक्टर आगे हम कुछ बता रहे हैं ना भैया। अब देखिए हम लोग प्राइमरी सेक्टर कुछ आगे पढ़ते हैं। हम लोग को पता है कि प्राइमरी को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्राइमरी को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो हम लोग को प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेने से एक यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर गौर कीजिएगा। थर्ड पॉइंट को हम जो पढ़ा रहे बोल रहे हैं, अगर क्लियरली दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं उसको कीजिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी तो प्रोड्यूसर सेक्टर पे आ गया। एग्रीकल्चर क्या था? प्रोड्यूसर सेक्टर पर आता है। और ये रिलेटेड सेक्टर, रिलेटेड सेक्टर इसमें किसको बोला गया? माइनिंग को बोला गया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेस को बोला गया है, और बहुत सारा चीज को बोला गया जो हम लोग जमीन के अंदर से निकालते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा कल्टीवेशन। अब हम लोग देखते हैं कि कल्टीवेशन, फिशिंग के बारे में बता चुके हैं, अब कॉटन के बारे में एग्जांपल लेते हैं हम लोग कल्टीवेशन, मतलब कि हम लोग अगर हम लोग खेती कर रहे, किसका कल्टीवेशन करें? खेती कर रहे कॉटन का, रुई का खेती करें, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो हम लोग के लिए सबसे पहला तो रेनफॉल इंपॉर्टेंट है। वर्षा जहां होगा वहीं ना हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे रेगिस्तान में जाकर के एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या दिस इज पॉसिबल? दैट इज इम्पॉसिबल। इसको हम लोग कभी भी हम लोग खेती नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या करें? सनशाइन। अब बताइए अगर हम लोग का सनशाइन, अगर धूप नहीं आएगा तो क्या तभी भी हम लोग खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मतलब कि हम लोग का धूप जरूरी है, जरूरी है। अगर धूप नहीं रहेगा तो हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। क्लाइमेट, हम लोग का क्लाइमेट भी चाहिए, मतलब कि कौन सा मानसून में होगा ये भी चाहिए। और इसमें हम एक वर्ड हम छोड़ दिए कि मिट्टी भी चाहिए, मतलब कि सॉइल भी चाहिए। कॉटन के लिए हम लोग का कौन सा हमेशा मिट्टी का उपयोग होता है बताइए? ब्लैक सॉइल। कौन सा मिट्टी का उपयोग होता है हम लोग का? ब्लैक सॉइल, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। अब इसके बाद है सकेट में, हम बताते हैं
डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट जो दूध देता है, और आपको तो पता है कि दूध कौन कौन देता है, कैमल देता है, फिर गोट देता है, काउ देता है, फिर आपका बहुत सारा एनिमल जो है डेयरी प्रोडक्ट्स करता है। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में हम लोग का ये क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मतलब कि कोई भी जानवर जो दूध देने वाला जानवर होता है उसके बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तभी वो मिल्क क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। और मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, इसको इसके लिए कुछ खाद चाहिए ना, खाने का सामग्री चाहिए ना। अगर हम लोग गाय को अगर कुछ नहीं खिलाएंगे तो क्या वो दूध दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। इसलिए उसके लिए फॉडर चाहिए, फॉडर जरूरी है। जब तक उसको फॉडर नहीं मिलेगा, खाने के लिए कुछ उपाय नहीं मिलेगा, तब तक वो क्या मिल्क दे पाएगी? कभी नहीं दे पाएगी। अब यहाँ पर ये तो बता दी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, ये एग्रीकल्चर के, ये खेती से भी जुड़ा हुआ है। देखिए हम लोग का कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, ये एग्रीकल्चर हो गया। डेयरी प्रोडक्ट्स, ये भी एग्रीकल्चर हो गया। फिशिंग, ये भी एग्रीकल्चर हो गया। जितना भी हम लोग का है जिसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, जिसको मिक्स्ड फार्मिंग मतलब कि हम लोग खेती भी करना और प्लस में साथ में क्या करना, हम लोग को पालतू जानवरों को भी पालना, वो भी क्या हो गया, हम लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आ गया। और रिलेटेड सेक्टर अलग अलग बोला गया है, जिसको हम लोग माइनिंग, फिर हम लोग ये सब बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेस, वो बोलते हैं। ये तो प्राइमरी सेक्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। नाउ प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ लिए, दिस इज नोन एज अ प्रोड्यूसर सेक्टर। अब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं? अगर आपको, आपके पास अगर डिफाइन आ जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सेकेंडरी सेक्टर, तो आप सेकेंडरी सेक्टर में ये बस छोटा सा भी डिफाइन लिख लीजिएगा, ये छोटा सा भी डिफाइन लिख लीजिएगा। अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तब, अगर नहीं तो अगर पांच नंबर का आएगा तो इसको क्या कीजिएगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो देखिए सेकेंडरी में आपका क्या होता है, एक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें हम लोग का नेचुरल रिसोर्स को लेकर के हम लोग का कुछ प्रोसेस पर कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक छोटा सा भी एग्जांपल हम लेते हैं मिल्क, यहां पर हम लिखते हैं मिल्क, MILK, मिल्क। मिल्क को क्या बनाया जाता है, पाउडर। मिल्क को हम लोग पाउडर में कन्वर्ट करते हैं ना, मिल्क को हम लोग पाउडर में कन्वर्ट करते हैं ना, मिल्क को पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। मतलब कि मिल्क को जहां पर पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं वो क्या हो गया, हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। क्या हो गया, हम लोग का मैन्युफैक्चर्ड हो गया। और कंस्ट्रक्शन, जिसको बनाना, कंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, बनाना, जैसे बिल्डिंग बनाना, ये सब हो गया। ये सब भी हम लोग किस पर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर पर आ गया। किस पर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर पर आ गया। अब हम लोग प्राइमरी सेक्टर का, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर का सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब डिफाइन हो गया ना, जिसमें कोई भी सामान को मैन्युफैक्चर किया जाता है या कंस्ट्रक्शन किया जाता है या बनाया जाता है या कोई नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्ट को हम लोग चेंज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। बस छोटा सा यही याद रखिएगा। अब देखिए नेचुरल प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग, नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर का भी आ जाएगा, माइनिंग का भी आ जाएगा, फिशिंग का भी आ जाएगा, और आपका कल्टीवेशन ये सब का भी आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। और प्लस में डेयरी प्रोडक्ट्स कह जाएगा। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब कि दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो दूसरे फॉर्म में उसको चेंज करते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चर करके उसको चेंज करते हैं। और कहां पर चेंज करते हैं, विच मे टेक प्लेस इन अ, कहां कहां पर चेंज कर सकते हैं, फैक्ट्री में, मतलब कि कहां पर चेंज कर सकते हैं, फैक्ट्री में, मतलब कि कोई भी फैक्ट्री पर जाकर के हम लोग उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग कहां, फैक्ट्री के बाद कहां पर कर सकते हैं, वर्कशॉप में, वर्कशॉप में, वहां पर भी हम लोग किसी चीज प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नहीं तो और एट होम, और हम लोग घर पर भी उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग का जो बिजनेस, हम लोग का जो वर्कशॉप होता है, फैक्ट्री होता है, वो तीन तरह का होता है। यहां पर हम आप लोग को इसके आगे नहीं, यहीं पर हम बता देते हैं। अगर हम एक चीज लेते हैं, फैक्ट्री का नाम लेते हैं, दिस इज द लार्ज सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर में, बहुत बड़े एरिया में हम लोग का फैक्ट्री रहता है, जो हम लोग का वो बनाता है किसके लिए, विदेश में, मतलब कि अपने देश में भी सामान को बेचे और दूसरे देश में भी सामान को बेचे, इसलिए फैक्ट्री में उसको क्या कहता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब वर्कशॉप क्या रहता है, वर्कशॉप जैसे छोटा मोटा, जैसे फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गाड़ी बनाना,
मोबाइल फोन्स बनाना, या फिर आपका बुक्स को बनाना, या फिर आपका टेबल फैन फैन ये सब को बनाना, ये क्या हो गया फैक्ट्री में बनता है। वर्कशॉप में क्या किसको बोलते हैं वर्कशॉप, वर्कशॉप में जो स्मॉल मीडियम सेक्टर में इसको बनाया जाता है। जैसे आपका मीडियम सेक्टर में क्या क्या हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर आपका और जो आपका सुधा का प्रोडक्ट्स आता है, दूध आता है, या फिर ऑसम का प्रोडक्ट आता है, या फिर केक आता है, ये सब क्या हो गया इस पर आपका स्मॉल मीडियम में बनता है। और लास्ट में एट होम, जिसको हम लोग स्मॉल सेक्टर बोलते हैं, जो घर पर ही बैठ के बनाया जाता है, जैसे अगरबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, माचिस हो गया, झाड़ू हो गया, टोकरी हो गया, ये सब कहां पर बनता है, ये सब फैक्ट्री क्या वर्कशॉप में बनता है, नहीं, ये हम लोग इसको कहां बनाते हैं, घर पर ही बनाते हैं। अब इसके आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं ना, अब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या है। अब जैसे सुगर केन, गन्ना, सुगर केन, ये हम लोग का जितना भी हम इधर का जितना भी हम ब्लैक कलर से आपका मार्किंग कर रहे हैं, ये कौन सा सेक्टर में आ जाएगा आपका, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं, ये समझ गए ना। अब हम लोग इधर जो हम ये सर्कल जो कर रहे हैं, ये हम जो आपका यहाँ जो सर्कल कर रहे हैं, ये सब किस पर आ जाएगा आपका बताइए, ये सब जितना भी हम किस पर आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर पे आ जाएगा। किस पर आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर पर, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर्ड या कंस्ट्रक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। इसको याद रखिएगा और कान पर, कान से दिमाग तक ये बात को याद रखिएगा। अब याद देखिए, सुगर केन से हम लोग क्या मिलता है, सुगर मिलता है, चीनी मिलता है, कॉटन से क्या मिलता है, कॉटन क्लोथ मिलता है, ट्री से क्या मिलता है, पेपर मिलता है, रबर मिलता है, और बहुत कुछ मिलता है, फर्नीचर ये सभी बोल सकते हैं। प्लांट से क्या मिलता है, मेडिकल प्रोडक्ट्स मिलता है, जैसे अगर हम लोग तुलसी का भी लेते हैं या किसी का भी लेते हैं तो हम लोग का मेडिकल प्रोडक्ट मिलता है ना, मेडिसिन में काम आता है। अब यहाँ पर तो ये तो आपका हो गया, अब लास्ट टॉपिक है टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग लास्ट प्राइमरी, इसमें प्रोड्यूसर सेक्टर, सेकेंडरी इसमें मैन्युफैक्चर सेक्टर, टर्शियरी इसमें सर्विस सेक्टर, जो हम लोग को सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग का तीन हम लोग को सर्विसेज मिलता है। अब हम लोग को सर्विसेज कैसे कैसे मिलता है उसको देखते हैं। फर्स्ट टर्शियरी सेक्टर किसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको याद रखिए, ये जो हम लोग फर्स्ट मिलते हैं ना, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस, इसको याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर ही बोलते हैं, जहां पर हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग को जो सर्विसेज होता है ना, बहुत तरह से प्रोवाइड किया जाता है, कुछ कुछ हम एग्जाम्पल लिए, एक सर्विसेज का लिए, एक प्रोफेशनल्स का लिए। सर्विसेज में देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या मिलता है, ट्रांसपोर्ट मिलता है, अगर हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो ये क्या हो गया, एक सर्विस सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हुआ ना। सेकेंड स्टोरेज, स्टोरेज सेक्टर किसको बोलते हैं, जहां से एक जगह से अगर दूसरे जगह सामान आता है और जहां पर हम लोग को रखने का सुविधा दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टोरेज सेक्टर। मान लीजिए अगर विदेश से कोई सामान आता है तो कोई हम लोग एक जगह पोर्ट में रखते हैं ना, जैसे हम लोग का कांडला हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, फिर हम लोग का सुंदरबन पोर्ट हो गया, ये सब में रखते हैं ना, ये हो गया एक स्टोरेज, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड। नाउ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज अ सर्विसेज प्रोवाइड, अगर आप जो यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, जैसे फोन में बात करना ये भी सर्विसेज में हो गया, व्हाट्सएप करना ये भी सर्विसेज में हो गया, फिर इंटरनेट चलाना ये भी सर्विसेज में हो गया, जो आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है टिकटॉक हो गया, ये सब हो गया, ये सब भी आपका सर्विसेज सेक्टर में हो गया, ये सब भी हम लोग कम्युनिकेशन सेक्टर में आता है। बैंकिंग, बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज अ सर्विसेज सेक्टर, जिसको बैंकिंग में क्या करते हैं, लोग अपने घरों पे पैसा नहीं रखते, वो बैंक में जाकर के पैसा रखते, क्यों, क्योंकि बैंक में जाकर के पैसा रखने से कुछ हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, कुछ कुछ परसेंट हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलता है, बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विसेज सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विसेज सेक्टर। अगर घर पे अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हम लोग को कुछ पैसा मिलेगा, नहीं, लेकिन बैंक में रखेंगे तो हम लोग को पैसा मिलेगा। इंटरनेट, इंटरनेट आप लोग को पता है कि हम लोग का ये भी सर्विसेज सेक्टर हो गया, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या होगी, हम लोग का सर्विसेज सेक्टर हो गया। अब हम लोग सर्विसेज के बारे में तो पढ़ चुके, अब हम लोग का प्रोफेशनल्स भी कुछ कुछ जो रहता है हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो जो प्रोफेशनल रहता है वो भी हम लोग को क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट हम लोग लेते बात डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स मतलब जानते हैं, डॉक्टर्स भी तो प्रोफेशनल्स होता है ना, क्या कोई भी आदमी आम व्यक्ति क्या डॉक्टर्स बन सकता है, क्या अगर हम लोग का जो अगर एक चपरासी को बोल दें कि जो ऑपरेशन करो क्या कर सकते हैं, नहीं, डॉक्टर्स भी एक अपना प्रोफेशनल्स है, कोई अपना आंख के लिए प्रोफेशनल्स होता है, कोई ईयर्स टंग माउथ फिर पैर के लिए हाथ के लिए क्या भी होता है प्रोफेशनल्स होता है, डॉक्टर भी एक प्रोफेशनल्स है। लॉयर्स,
लॉयर जान रहे, वकील, वकील भी क्या है कोई भी वकालत कर सकता है? नहीं, जब तक हम लोग को आर्टिकल सेक्शन ये सब नहीं याद रहेगा तब तक हम लोग कभी भी लॉ नहीं कर सकते। इट्स मीन्स लॉयर भी क्या है, एक प्रोफेशनल है। टीचर्स, टीचर्स इज ऑल्सो एन प्रोफेशनल, टीचर्स भी एक प्रोफेशनल है। आप लोग सोचते होंगे मन में कि एक हम कभी कभी हम लोग कभी सवाल आता था कि अगर एक स्टूडेंट सारा सब्जेक्ट पढ़ सकता है तो एक टीचर सारा सब्जेक्ट ही पढ़ा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो सारा पढ़ नहीं रहता है, लेकिन टेंथ के बाद हम लोग ये चेंजेस हो जाता है। टीचर्स भी क्या होता है, हर एक चीज में क्या होता है, प्रोफेशनल होता है। कोई एक एक चीज में हमेशा प्रोफेशनल होता है, कोई मैथ्स में प्रोफेशनल होता है तो कोई साइंस में होता है, कोई इकोनॉमिक्स में होता है तो कोई सोशियोलॉजिस्ट में होता है, कोई हम लोग का एंटरप्रेन्योर्स में हो जाता है। मतलब कि हर एक सेक्टर में क्या होता है, एक अपना अपना प्रोफेशनल होता है। उसके बाद है हम लोग का बार्बर्स, बार्बर जान है ना, लॉकडाउन में क्या हो रहा है, किसका ब्रीड और बाल बढ़ चुका है, ब्रीड और बाल बढ़ चुका है, ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। मतलब ब्रीड मतलब दाढ़ी, दाढ़ी किसका बढ़ चुका है, बाल किसका बढ़ चुका है, बार्बर, बार्बर की क्या होते हैं, एक एक्सपर्ट होते हैं। बार्बर्स अगर एक्सपर्ट नहीं होंगे तो क्या हम लोग का इससे हो जाएगा? नहीं, बार्बर्स भी एक्सपर्ट होते हैं। अब हम लोग का तो इसको यहीं पर, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और यहाँ पर ये पार्ट टू है और इसको अच्छे से देखिएगा। अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हम अपना नंबर तो आप लोगों को शेयर किए, लेकिन इस बार फिर लिख रहे 9334325948। इस पर आप लोग जरूर आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है एक बार हमको कॉल जरूर कीजिए ना। अब इसको, अब हम क्या करते हैं, इसको रोकते हैं, और प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखिए, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और जरूर से जरूर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।